हेलो बच्चों, आज जो अपने मैथ जो टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए हैं गणित। ठीक है, तो उसमें जो अपने आज करेंगे बेसिक गणित शुरुआत से सीखें, यानी जो गणित है उसके बारे में अपने जो बेसिक कंसेप्ट है आज, वो अपने आज एक वीडियो में कंप्लीट क्लियर कर लेंगे। क्योंकि जो कई बार अपने को ऐसे लगता है कि मैथ सभी को हार्ड लगती है, ठीक है, तो मैथ हार्ड किस वजह से लगती है, क्योंकि अपने जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं है। जैसे मान लो ये टॉपिक है, कितने टॉपिक है, 15 टॉपिक है, तो मैं इसकी जो वीडियो है वो एक या दो वीडियो में आपको कंप्लीट ये जो टॉपिक है वो समझाऊंगी। जैसे जोड़ हो गया, घटाना, गुना, भाग, भिन्न, एचसीएफ, एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, बोड़ामास, सरलीकरण, वर्गमूल, घनमूल, गुणनखंड, घातांक और दशमलव। ठीक है, ये अपने जो मैथ है इसके 15 जो बेसिक है वो टॉपिक है। अगर वो अपने क्लियर हो जाते हैं तो आगे जो बड़ी क्लासे आती हैं उनमें अपने को मैथ है वो इजी लगने लग जाती है, अगर इनके सारे कंसेप्ट है अगर क्लियर है तो। ठीक है, तो इसमें आज अपने बेसिक से स्टार्ट करेंगे। साथ में ये करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को पूरी कंप्लीट वॉच करना। ठीक है, जब कंप्लीट वॉच करोगे तभी अपने को ये टॉपिक है वो समझ आएंगे, क्योंकि अपने ने बीच बीच में कट कर दी तो वीडियो अपने अच्छी तरह क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो आज अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक जोड़, घटाना, गुना और भाग, ये पाँच चार टॉपिक है उसको आज अपने कवर करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अपने करते हैं बच्चों। आप जैसे अभी अभी टॉपिक अपने ने स्टार्ट किया, पहला जोड़, घटाओ, गुना और भाग्य, जो चार टॉपिक आज इस वीडियो में अपने कवर करेंगे। तो सबसे पहले अपने करेंगे जोड़। ठीक है, तो जोड़ है बेसिक से सिखा रही हूँ। देखो यहाँ पे कितना है, 9 है और यहाँ पे 1 है। 9 में 1 जोड़ा कितने हुए, 10 हुए। कितने हुए, 10। तो 10 का जो ये 0 है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा, एक बचा, एक संख्या इधर आती है। ठीक है, एक बचा तो एक हासिल यहाँ पे क्या बच गई, कैरी, एक हासिल यहाँ पे बच गई। 3 और 4 कितने होते हैं, 3 में 4 जोड़े कितने होते हैं अपने, 7 होते हैं, और 7 में एक ही हसल और जुड़ेगी, कितने हो गए, 8 हो गए। उसी तरह 5 में 3 जोड़े कितने होते हैं, 5 और 3 होते हैं अपने, टोटल 8 8। ठीक है, उसी तरह 6 और 1 7 कितने हो गए, 7। ये तो था बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, उसी तरह मान लो अपने क्वेश्चन और लेते हैं, 4 9 7 5 4 3। ठीक है, ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन। एक और प्लस का लेते हैं, 9 में 7 जोड़े कितने होते हैं, 16। 16 का ये जो 6 है वो यहाँ पे आता है, 1, एक कैरी यहाँ पे बचती है हासिल। उसी प्रकार 4 में 5 जोड़े 9, 9 में एक हासिल और जुड़ेगी, 9 और ये कितने हो गए, 10। 10 का 0 आ गया हासिल, फिर वापस एक बच गई। उसी तरह 9 और 4 कितने हो गए, 9 और 4 14। 13 में एक हसील जोड़ा कितने हो गए, 14। 14 के एक हसील है वो यहाँ पे आ गई। 6 और 3 कितने हो गए, 9। 9 और 1 कितने हो गए, 10। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए अपने, जोड़ है, बिल्कुल सिंपल से है। इसी तरह जब अपने घटाव करते हैं, देखो 4 और घटाना है, मतलब ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या माइनस होती है। ठीक है, 4 में से 3 गए कितने बचे, 4 में से अगर 3 कट कर दे तो कितने बचे अपने, 1। 1 बचा। उसी प्रकार 9 में से अगर अपने 2 कट कर दें तो कितने बचे अपने, 7 बचे यहाँ पे। उसी तरह 6 में से जब 1 कट किया तो कितने बचे, 5। और इसी तरह 8 में से 7 के कितने बचे, 1। ये तो बात था बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बिना हासिल वाला, कैरी वाला, एल्स लग। इसी तरह मान लो मैं ये क्वेश्चन लेती हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन अपने ने ले लिया। 5 में से 7 जाते, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली माइनस करनी है। 5 में से 7 जाते नहीं जाते, तो 5 में से 7 में इधर मैंने एक हसील ले ली तो ये कितना हुआ, 15। मतलब हसील लेंगे वो उसमें जोड़ने नहीं है, मतलब इधर से एक हसील ली कितने हुए, 15। 5 था 15। 15 में से 7 गए कितने बचे अपने, 8 बचे। उसी तरह अब देखो यहाँ पे 3 था, 1 इधर चला गया तो यहाँ पे कितने बचे, 2 बचे। 2 में से 2 गए कितने बचे, 0। इसी से 4 4 में से 3 गए कितने बचे, 1 बचा, ऊपर में से नीचे वाले। इसी तरह 9 में से 6 गए कितने बचे, 3 बचे। तो ये था अपना जोड़ और घटाओ वाले क्वेश्चन। उसी तरह अब अपने करते हैं इसमें गुना और भाग वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो गुना का क्वेश्चन लेके आते हैं। आगे वाला जो अपना टॉपिक है वो है गुना। जैसे 6 और 8 और 2 और 1 3 और 5, इसको मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कैसे करते हैं, नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना है। 5 को 1 से गुना किया, 5 एकम 5 हो गया। 5 को मैंने पहले 5 को इससे गुना किया, 5 को फिर इससे किया, 5 को 2 से किया, 5 में 10। 10 का 0 आएगा हसील, एक यहाँ पे आएगी। ठीक है, दो संख्या इकट्ठी नहीं लिखनी, अपने को संख्या एक लिखनी है।
पांच को फिर इससे गुना किया, पांच को आठ से किया, चालीस, चालीस में एक हासिल जो है इकतालीस, इकतालीस का चार इधर वाला आता है इकाई वाला और ढाई इधर हासिल आ जाती। उसी तरह पांच को तीन छह से किया तीस, तीस और कितने हो गए चौंतीस हो गए। ठीक है, ये तो था अपने लिए फर्स्ट डिजिट का। अब अपने को करना है सेकंड का। सेकंड का करने से पहले यहाँ पे अपने क्रॉस निशान लगाते हैं। ठीक है, अब करते हैं पांच तीन को पहले इससे तीन एकम तीन, फिर तीन को इससे करते हैं तीन दूनी छह, तीन को इससे करते हैं आती है चौबीस, दो हासिल बची, दो यहाँ पे कैरी होगी, आठ को इससे किया, तीन को इससे किया, छह को अठारह, अठारह दो जितने हो गए बीस हो गए। ठीक है, अब इनको अपने करते हैं प्लस, पांच का पांच आता है पहली संख्या, जीरो और तीन कितने हो गए तीन, एक और छह कितने हो गए सात, चार और चार कितने हो गए आठ, और तीन और तीन और दो। ठीक है, ये था मल्टीप्लाई। ऐसे अपने कितने भी डिजिट की संख्याओं का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं अगर सिंपल करवाऊं तीन को पांच से और चार को, ऐसे करें सिंपल दो डिजिट वाली, पहले इसको किया पांच से पंद्रह हासिल बची एक, पांच को इससे किया बीस और एक इक्कीस होगी, फिर नीचे पहली संख्या के नीचे क्रॉस आएगा, फिर इसको किया बारह हासिल एक, चार को चार से किया सोलह और एक हासिल कितने हो गए सत्रह, जोड़ दो पांच का पांच ये कितने हो गए तीन, ये कितने हो गए नौ और ये कितने हो गए। ठीक है बच्चों, समझ आया, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ये था अपना गुना वाला। फिर अपने करते हैं भाग की संख्या। जैसे मान लो अपने करते हैं भाग, आगे वाला जो अपना टॉपिक है वो भाग, उसको करेंगे। जैसे पंद्रह बयालीस को अपने भाग देते हैं तीन से। ठीक है बच्चों, अब भाग कैसे देते हैं, भाग देने के लिए सबसे पहले अब देखो तीन को इससे भाग देना है, तो तीन की टेबल में एक तो छोटी संख्या होगी तो कितनी संख्या लेंगे दो, तीन की टेबल में पंद्रह आता है किस पे आता है पांच, तीन को पांच से किया पांच दिया पंद्रह आ गया, यहाँ पे कितना बचा जीरो। अब ये एक संख्या उतार लेते हैं, एक हमेशा स्टार्टिंग वाली अपनी कितनी संख्या ले सकते हैं, लेकिन आके हर बार एक संख्या लेंगे, अगर एक में नहीं जाता फिर दो संख्या लेंगे, उसकी कंडीशन अलग होगी। चार हो गया, तीन की टेबल में चार तीन एकम तीन, इससे जस्ट छोटी लेनी है, या तो पूरी लेनी है छोटी लेनी, बड़ी संख्या नहीं लेनी यहाँ पे, तीन एकम तीन, चार में से तीन गया कितने बचे एक बचे, ऊपर वाला क्या आ जाएगा बारह, तीन की टेबल में बारह आता है किस पे आता है चार पे, चार तीन बारह, आंसर कितना आ गया पांच सौ बारह। अब अपने को चेक करना है अपना आंसर सही है या गलत है, उसको कैसे करेंगे, पांच सौ चौदह को गुना किससे कर लो तीन से, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, चार तीन बारह एक हासिल बची, तीन एकम तीन और एक कितने बचे चार, पांच तीन पंद्रह, आंसर सेम है, सेम है, इसका मतलब अपना मल्टीप्लाई है, जो डिवाइड है वो बिल्कुल सही है। तो ये अपने ने इस जो अपने ने बेसिक मैथ स्टार्ट किए उसके चार टॉपिक ये हैं, जोड़ घटाओ गुना और भाग। कल जो अपने टॉपिक लेके आएंगे वो भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ और प्रतिशत, चार टॉपिक आगे वाली वीडियो में लगे आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।